बात है, किसी गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में ले जाकर बेचा करता था और वो बहुत बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर में काम किया करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। एक समय जब माघ मास की तिल चौथ आई तो देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीदा और तिल चौथ का व्रत रखा। पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुनकर उसने तिलकुट्टा बनाया और उसे अपनी रसोई के छीके में रख कर जेठानी के घर काम करने चली गई। जेठानी के घर का सारा काम खत्म करके उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चों ने कहा, माँ के साथ खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो जेठ ने भी मना कर दिया। अब देवरानी अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी अभी तो सब खाना खाने से मना कर रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं अपने घर चली जाऊं। जेठानी बोली, ठीक है तुम घर चली जाओ, अभी तो किसी ने भी मेरे घर में खाना नहीं खाया, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये बात सुनकर देवरानी को बहुत दुख हुआ और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर घर में उसका पति और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज तो व्रत का दिन है, माँ आएगी तो पकवान लाएगी। घर आकर उसने सारी बात अपने पति और बच्चों को कही। ये सुनकर बच्चे रोने लगे और उसका पति नाराज हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो तेरे काम का क्या फायदा, ऐसा कहकर गुस्से में आकर उसने उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारा। कपड़े धोने का डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। भूखी प्यासी वो बेचारी रात को पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। रात को उसके सपने में चौथ के विनायक महाराज आए और कहने लगे, धूप ना मारी, पाटा मारी, जाग रही है या सो रही है? तो वो बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी फिर बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको खाने को क्या दूं? लेकिन हाँ, रसोई घर के छीके में थोड़ा सा पूजा का तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। वो तिलकुट्टा खाकर गणेश जी महाराज उससे फिर बोले, धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये झोपड़ी देख रहे हैं महाराज, ये मेरी ही है, जहाँ मन करे वहाँ निमट लो। गणेश जी महाराज उसकी झोपड़ी में जगह जगह निमटते हैं। उसके बाद फिर उससे पूछते हैं, धोबना मारी, पाटा मारी, अब मैं कहाँ पहुँचूं? वो गुस्से में आकर उनसे कहती है, ये रहा मेरा सर, यहाँ पूछ लो। इसके बाद गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि उसके घर में चारों ओर सोने चांदी के भंडार भरे थे। उसके सर में हीरे मोती जगमगा रहे थे, अन्न धन के भंडार भरे थे। उधर सारा दिन निकलने पर जेठानी अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजती है, कहती है, कल खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई, आज काम पे नहीं आई, जाओ जाकर उसे बुला लाओ। बच्चे दौड़े दौड़े चाची के घर आते हैं तो देखते हैं कि चाची के घर में तो सोना चांदी के भंडार भरे हैं। वो उससे कहते हैं, चाची चाची चलो माँ ने बुलाया है। वो आगे से कहती है, बहुत कर लिया तुम्हारी माँ के यहाँ काम, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम पे भेज दो। बच्चे वापस अपनी माँ के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी सब बात पता करने के लिए देवरानी के घर आती है और इतना सोना चांदी देखकर वो भी चौंक जाती है और देवरानी से इन सब का कारण पूछती है। तो देवरानी उसे चौथ विनायक महाराज की कृपा की सारी बात बता देती है। अगले साल जब माघ मास की सकट चौथ आती है तो जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे खूब मारो। उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान कैसी बात कर रही है, मैं भला तुझे क्यों मारने लगा? लेकिन वो हट कर लेती है और अपने पति से कहती है, मुझे इस डंडे से मारो। गुस्से में आकर उसका पति उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारता है। अब वो खुशी खुशी खूब घी और मेवा डालकर तिलकुट्टा बनाती है और उसे रसोई में रख कर चादर तान कर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद
जिठानी के सपने में चौथ विनायक जी महाराज आते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं, तो वो कहती है, अरे विनायक जी महाराज, मेरी देवरानी के तो आपने रूखा सूखा थोड़ा सा तिलकुटा खाया था, मैंने तो खूब घी और मेवे डालकर तिलकुटा बनाकर छीके में रखा है, वही खा लो। इसके बाद गणेश जी महाराज उससे पूछते हैं कि कहाँ निपटूं, तो वो कहती है, मेरी देवरानी की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो इतना सुंदर महल है, जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ वहाँ निमट लो। इसके बाद गणेश जी उससे कहते हैं, कहाँ पूछूं, तो वो कहती है, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो रूखा सूखा गंदा सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर में पोंछ लो। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो सुबह जल्दी जल्दी अपना सोना चांदी बटोरने के लिए उठती है, तो देखती है उसके घर में चारों ओर गंदगी फैली होती है, बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। ये देखकर वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। पति उससे गुस्से में कहता है, ये ले, मिल गया सकट चौथ का फल। अब वो बेचारी उस गंदगी को समेटना शुरू करती है, वो जितना समेटती गंदगी उतनी ही फैलती जाती। यह सब देखकर वो गणेश जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज ये कैसी माया है आपकी, देवरानी पर टूटे और मुझसे रूठे। जेठानी की ये बात सुनकर गणेश जी महाराज कहते हैं, तेरी देवरानी ने सच्चे मन से व्रत उपवास किया था, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हुआ, लेकिन तूने ईर्ष्या और लालच में आकर इस व्रत का पालन किया है। तब जेठानी कहती है, महाराज मैं मेरा सबक सीख गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा देवरानी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय चौथ विनायक महाराज। मन प्रदेश जय श्री।